दोस्तों गड़ोगा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आप जियो का सिम यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि आपकी जियो का इंटरनेट काफ़ी स्लो है, तो यार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक ऐसी खतरनाक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो माँ कसम यार पूरी लाइफ में आपकी जियो का इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम नहीं होगा, आपकी जियो का इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फाड़ के चलेगा। और मुझसे ज़रूर सवाल करेगी कि भाई ये सेटिंग के बारे में मुझे पहले ही बताना चाहिए था। दोस्तों यार ये सेटिंग बहुत ही खतरनाक है, आपकी जियो सिम के अंदर कर लेना चाहिए अगर आपकी जियो का इंटरनेट काफ़ी स्लो है। तो यार ये सेटिंग अभी तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद अपने जियो सेटिंग के अंदर कर लेना है आपको चेंज, तब आपके इंटरनेट काफी ज्यादा फाड़ के चलेगा। पहले मैं आपको बता दे तो बिना टाइम गवाए तो मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरे चैनल में आपको जाना होगा, यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे एक आपको घंटी आएगा ना, घंटी दबा दीजिएगा और नीचे यहाँ पे एक कमेंट लिखना होगा। क्या कमेंट लिखना होगा? नेट स्पीड, नेट स्पीड आपको यहाँ पे कमेंट लिखना होगा और यहाँ पे एंड कर देना होगा। बस इतना आपको करने के बाद उसके बाद आपको सेटिंग में यहाँ पे चले जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर अलग अलग सेटिंग होती है, मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग बताऊंगा, वो सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जियो का इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फाड़ के चलने लगेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको जाना होगा, तो हर मोबाइल के अंदर अलग अलग सेटिंग होती है तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आपको मिलेगा, दोस्तों आपके मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं मिलता है सेटिंग के अंदर तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा मोबाइल नेटवर्क, देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क में जाता हूँ। मोबाइल नेटवर्क जाने के दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं डबल सिम होगा आपके फ़ोन के अंदर, तो जियो वाला फ़ोन को जियो सिम को चूज़ कर लेना होगा। यहाँ पे आ गया एक्सेस पॉइंट नेम, तो एक्सेस पॉइंट नेम को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, यानी आप सिम इंसर्ट करेंगे तो ये सेटिंग ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो इसको सेटिंग को आपको चेंज करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के APN में देख रहे हैं APN में जियो नेट होगा, तो यहाँ पे आपको जियो को हटा देना होगा और यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना होगा, पहले N लिखिए कैपिटल में, NET नेट और स्पीड लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में N और फिर नेट क्या स्मॉल में लिखना होगा, उसके बाद S कैपिटल में लिखना होगा, उसके बाद कंटिन्यू लिखना होगा स्मॉल में, तो यहाँ पे नेट स्पीड यहाँ पे आपको लिखना होगा। लिखने के बाद कीजिए और यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे सेव कर लीजिए। बस यहाँ पे सेव करने के बाद आपकी नेट यहाँ पे थोड़ा सा बंद होगा कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। स्विच ऑफ करने के फिर यहाँ पे आपको टेस्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट था यहाँ पे नेटवर्क जो सेटिंग था बाय डिफ़ॉल्ट सेट था, तो 2 Mbps के हिसाब से यहाँ पे स्पीड मिल रहा था और यहाँ पे स्पीड मैं दिखा देता हूँ कि कितना स्पीड यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दे तो ये ओखला का स्पीड टेस्टर है एप्लीकेशन, जो बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कमाली हो चुका, जो आपके यहाँ पे नेट स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगा 8, 9, 10 Mbps के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे लग रहा है कि 9 Mbps के हिसाब से आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिल रहा है, यानी दोस्तों तकरीबन यहाँ पे डिवाइड ही किया जाए जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा सेटिंग सेट था, तो वहाँ पे एक Mbps की स्पीड यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज करने के बाद 9 Mbps की स्पीड यहाँ पे मिल रहा है। और अपलोडिंग की बात करो तो यहाँ पे अपलोडिंग आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगा ये सेटिंग करने से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डाउनलोडिंग बहुत सारा चीज़ करते हैं, वीडियो, गाना, सॉन्ग वगैरह, तो डाउनलोडिंग स्पीड के लिए ये आपको सेटिंग कर लेना अपनी जियो सिम के अंदर, तो आपके इंटरनेट स्पीड काफी फाड़ के चलेगा। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था ये सेटिंग के बारे में, अगर आप जियो सिम के अंदर कर लेते हैं तो आपकी इंटरनेट काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और एक साइड वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।